896 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ गया, दो फ्लावर बेड आ गया। कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो? एरिया ऑफ स्क्वायर तो इजी, एरिया ऑफ लॉन्ग स्क्वायर लॉन्ग क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन्ग 28 इंटू और 56 इंटू 56। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन्ग, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन्ग 56 मल्टीप्लाइड बाय 56, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन्ग। भाई जो इंग्लिश और सोशल स्टडी नहीं पढ़ते हैं वो क्या करेंगे, क्या करोगे पहले बता दो मुझे। यहाँ पर बैठ जाना थोड़ी है, जाना है क्यों? कल का आएगा पेपर, तो बाकी पलक तू हाँ क्यों कर रही थी? जाना एरिया ऑफ स्क्वायर 56 इंटू 56 3 1 3 टोटल एरिया। अभी बेटा आज है ना साइंस की और क्लास नहीं है बेटा, है ना मैथ्स की है बस आज। ओके सर, इतना हो गया 896 प्लस 3136 4 3 2 meters। तो ये है अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट लिखो, ये एक स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर का और मुझे इसका एरिया निकालना है। ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, तो मुझे ये बीच की जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। कैसा आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बिल्कुल एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट। अगले क्या गो, इसको फर्स्ट बोलो और इसको सेकंड बोलो, ऐसे मत करना। पहले एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पाई की वैल्यू कुछ नहीं है उसमें, छोड़ना है, सॉल्व नहीं करना। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, स्क्वायर का एरिया हो गया भाई आपका 8 × 8 माइनस 1/4 पाई, आर का वैल्यू 8 का स्क्वायर, 64 बार बाहर आ गया। वन माइनस पाई बाय 4, ठीक है आने दो ना, क्या दिक्कत है। 1 माइनस पाई बाय 4, पाई की वैल्यू 22/7,
अरे रुक तो जा बेटा, आराम से जल्दबाजी मत क्या कर। अरे यार ये क्या हुआ? अच्छा ठीक तो है, 3/14, 3/14। बेटा एक फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड पार्ट 96/7, सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड पार्ट 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया आपका 64 माइनस 96/7 प्लस 96/7, 192/7, 7/4 28, 7/6 42, 4/48 माइनस 192, बताना कितना आ रहा? अभी समझा देंगे। 256 आ रहा है क्या? 2, अब समझा देते हैं, एक बार लिख लो। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, टू फिफ्टी सिक्स बाय सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ये कैसे करा बेटा? फर्स्ट पार्ट का एरिया दोबारा समझा रहा हूं, इधर समझो। एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट हटा दो, फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया पक्का। तो ये निकला ला नीचे 96/7, समझ में आ गया कैसा आया? एरिया ऑफ स्क्वायर 8 × 8, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई की वैल्यू रख के हमने 96/7। यदि ये 96/7 है तो ये सेकंड पार्ट का एरिया भी 96/7 में होगा। अब ये वाला एरिया आ गया और ये वाला एरिया आ गया बेटा, स्क्वायर में से इन दोनों का एरिया हटाऊंगा तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, एक मेथड तो ये। एक और दूसरा मेथड क्या है बेटा? यहां एक लाइन खींच दूंगी, बोलो ये क्या है? सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हटा दूंगा, क्वाड्रेंट के एरिया में से, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा और उसको डबल कर दोगे तो आंसर आएगा, क्योंकि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट क्या है? सेम आया क्या? क्या बोला मैंने? स्वामी बोलती नहीं, कहाँ ध्यान है तेरा? मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक क्वाड्रेंट है, एक मिनट लिए इसको हटा दो, एक मिनट के लिए। ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दोगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ गया, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, डबल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। करेंगे इस मेथड से भी कि क्लियर है? है करते हैं, चलो करें भाई, इंसान ने बोल दिया तो करेंगे। सेकेंड मेथड, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्वाइस 1/4 पाई आर, और कितना? 8 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू 8 × 8, 2
1/4 22/7 into 64 minus 32. 22 into 16. एलसीएम ले लो बेटा, ये ज्यादा इजी है सोल्व करने के लिए. 7 एलसीएम ले लिया, 22 into 16 minus 32 into 7. बोलो 22 into 16 कितना? 392 minus 254. यही आ रहा है? नहीं, 224. अरे मैं जाऊंगा कि एग्जाम देने? बोल दो जाना हो तो. चल 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वो फिर उसके लिए वो चेहरा अलग से चेंज करना पड़ेगा. ऐसा इतनी कम हाइट कैसे लेकर आऊंगा? हाइट कम है लेकिन इतनी कम कैसे? चलो भाई, तो ये कंप्लीट हो गया भाई हमारा. परसों से हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. प्रोबेबिलिटी भी तो करवाऊंगा ना, मैंने काम करना है. अब आज क्या तारीख है? तो तेरे को प्रोबेबिलिटी अलग से करवा.